सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें खोलती हूँ। हमने अभी निकाल दियो, क्या तुम ठीक हो? तुम क्या सोच रही थी? I'm so sorry. सही गलत कुछ जाने बिना तुम्हारी फैमिली ऐसी किसी को भी बांध देती है क्या? हा? अगर रात भर तुम्हें किसी ने ऐसे बांध के रखा तो I'm so मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने जोंगजी लाया है, मैं अभी निकाल के देती हूँ। क्या मुसीबत है, पनौती लग गई है जिंदगी में। I'm so sorry. ये लो जोंगजी। ये जोंगजी आर पार क्यों दिख रहा है? ये जोंगजी इस आइलैंड की एक स्पेशल डिश है, वो साबु के साथ बनाई जाती है। ये काफी नहीं होगा, मैं और देती हूँ। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी लगता है, बिल्कुल एक खीर के जैसा। जब भी मैं ऑफिस में ओवर टाइम करती रहती हूँ, मुझे इस जोंगजी की बहुत ही याद आती है। तुम और एक खा सकते हो, मैं यहाँ रख रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाया है। ये जगह शंघाई से काफी अलग है, यहाँ काफी ठंड होती है। अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह की पहली शिफ्ट से तुम निकल सकते हो। आई एम रियली सॉरी, माँ ने ये जानबूझ के नहीं किया है, उन्हें सिर्फ मेरी फिक्र हो रही थी, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अब किसकी बारी है, हमेशा मुझे ही क्लासरूम क्लीन करना है। क्यों? मैं जल्दी से ड्राइंग फिनिश करूंगी, टीचर ने कहा ड्राइंग्स बहुत अच्छी है। एक दिन एक लड़का मुझसे प्यार करेगा जैसे मेरे पापा मेरी माँ से प्यार करते हैं। वो मुझे प्रपोज करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम बचपन से ही फुदू रही हो। उसे मत पढ़ो, ये मेरी पर्सनल डायरी है। वही रुको, हिलो मत। तुम अपने आप को चैलेंज किए बिना कब तक जियोगी? इसका क्या मतलब? ना ये शब्द भूल जाओ और बड़े सपने देखो, और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत जुटाओ। किसने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है? तो ये तुम्हारा सपना है कि ऐसा एक आदमी ढूंढना जो तुम्हें प्यार करे बिल्कुल जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ से करते थे, समुन्दर किनारे चांदनी रात को तुमसे अपना प्यार का इजहार करे। सॉरी, तुम फिर से क्यों माफी मांग रही हो? लगता है मैंने गलत विश कर दी। पहले से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैंने सब खराब कर दिया। तुम सच में बहुत अजीब हो, तुम्हारी गलती नहीं होती और तुम माफी मांगती हो, और जब सच में गलती होती है तब तुम्हारी माफी का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मायने नहीं रखता। और वैसे कॉकरोच, कॉकरोच! क्या हुआ? कॉकरोच, कॉकरोच! अरे मारो उसे, देख क्या रही हो, उसे मारो जल्दी से। हाँ, जाओ हाँ, जल्दी हाँ, करो जल्दी। मैं करती हूँ, रुको। अरे उसे पैर से मार दो यार। तुम क्या कर रही हो? अच्छा, ये भी एक जान है, मैं इसे बाहर फेंक के आती हूँ, इसे मारने की जरूरत नहीं है। और वापस आए तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर वो वापस आए तो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं सच में मार दूंगा तुम्हें। फिर तुम सो जाओ, तब तक मैं यही रुकती हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये तुम्हें लेना चाहिए, लगता है तुम्हें तो ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, तुम नहीं समझोगी,
वो दरअसल बात ऐसा है कि ये मसल फ्लेक्सिंग है, इससे ब्राउन फैट जलता है और बॉडी में गर्मी पैदा होती है। तुम्हें क्या लगता है अगर एयरपोर्ट पे तुम वो फोन ना उठाते तो अब तक हमारा डिवोर्स भी हो जाता? अब हमारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जो हमारे मिलने से पहले थी। जब तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें हमारी जिंदगी वापस कभी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हूं? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे गलत मत समझना। मैं सोच रहा था कि छोड़ो, अब हम कल सुबह जब दादी आएगी उस पर सोच लेंगे क्या करना है। घर पे कोई है? जिशी, आ रही हूँ। कौन है? मैं हूँ, सियाड़ोसी। देखिए आपके सारे पार्सल आ गए हैं, साइन कीजिए और पार्सल लीजिए। मैंने ये सब नहीं खरीदा है, कोई गलत फहमी हुई है। मेरे साथ मत खेल खेलना, देखिए आप ही का तो पता है। मेरा ही पता है, मैंने तो नहीं खरीदा। नहीं जीजी, आप शायद भूल गई होंगी। मैंने कहा ना, ये सब मैंने नहीं खरीदा, जाओ यहाँ से। ये सब मैंने खरीदा है, सब अंदर लेके जाओ, सब अंदर लेके जाओ। अभी रुको, अभी मत जाओ। तुम मिसेस शेन हो ना? मैं जी की दादी हूँ, मेरा नाम वैन जिनजू है। देखो ये उनका मैरिज सर्टिफिकेट है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिकर मत करो, ये बहामियन वेडिंग सर्टिफिकेट है और ये कानूनी तौर पे मंजूर है। मतलब जैक्सन हमारे घर की बहू बन चुकी है, उसका होने वाला बच्चा शेनजी ग्रुप का वारिस बनने वाला है। वारिस? कौन से ग्रुप का? शेनजी ग्रुप का वारिस। कितना बेवकूफ है, जबकि वो पति पत्नी बन चुके हैं फिर भी उसे वापस शादी करनी है। मुझे लगता है कि शादी की सारी रस्में हमें वापस करनी चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। मिसेस शेन, मेरा पोता और मेरी बहू किधर है? आ, आ, आ,
अगर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो इस बच्चे को फैमिली नहीं दे पाऊंगी। इसके लिए मुझे जिंदगी भर बुरा लगेगा। उसका इस दुनिया में होना अन्ना और तुम्हारी जिंदगी में एक तकलीफ की तरह होगा। उसे ये कभी नहीं लगना चाहिए कि उसका जन्म किसी को अच्छा नहीं लगा था। मैं हॉस्पिटल जा रही हूं जी अक्षय। हॉस्पिटल कहाँ पे? दादी तुम यहाँ आ गई ऑलरेडी? तुम ठीक तो हो? तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना है? मुझे कुछ नहीं हुआ। शिनजी एक्शन कहाँ है? जैक्सन उसे क्या हुआ? वो अबॉर्शन करने गई है। क्या? तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया। वो अबॉर्शन करने गई है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल किधर है कोई बताएगा? जैक्सन अगली तुम हो। हेलो, प्रेगनेंसी चेक करनी है? और कितनी दूर है हॉस्पिटल? यहीं पर ऊपर है, थोड़ा और तेज चलाओ। कितने हफ्ते हुए? अपने मेडिकल रिकॉर्ड साथ लाई हो? एक्चुअली मैं पहली बार हॉस्पिटल आई हूँ। वो देखो जी, जल्दी से चलाओ, वो वहां पे लड़का है, उसके पास चलो। जी जी रुको, कार में आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ, अंदर आओ। जल्दी डॉक्टर तुम्हारे ऊपर 20 स्कैन करेंगे और तुम्हारे बच्चे को देखेंगे। डरना मत, हमारा डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया है। तुम्हारी पहली टेस्ट है? कोई नहीं, पहली बार इतनी नर्वसनेस होती है, डरना मत। तुम इतनी नर्वस हो और तुम यहाँ पे अकेली आई हो? इस बच्चे के पापा कहाँ पे हैं? उन्हें यहाँ पे होना चाहिए था। मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। ये बच्चा तुम दोनों का है, दोनों का साथ होना जरूरी है। तुम यहीं पे रुको, डॉक्टर आते ही होंगे। हाँ। अरे अब इस कार को क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है बैटरी खत्म हो गई। हे भगवान, तुम अभी तक यही हो? यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? भागो जल्दी हॉस्पिटल, भागो जल्दी भागो। थोड़ा ठंडा लगेगा तो उसे सह लेना। गायनेकोलॉजिस्ट कहाँ है? वहाँ 3 नंबर के रूम में। शुक्रिया। शिनजी एक्शन है यहाँ पर? आप उनके लगते क्या हो? मैं उसका पति हूँ। देखो
देखो ये रहा तुम्हारा बच्चा। बेबी कितना छोटा है, एक छोटे से दाने जितना। सुनो बच्चे की धड़कन, बच्चे के हार्ट बीट भी आ गए। हाँ धड़कन सुनाई दे रही है, मतलब बच्चा स्वस्थ है। हो गया, उठ सकती हो, सब कुछ नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। तुम्हें फिर से चेकअप के लिए आना पड़ेगा। ये रहा आपका रिपोर्ट डॉक्टर। मुझे कुछ पूछना था। अगर मैं अबॉर्शन करती हूँ तो बच्चे को दर्द होगा क्या? मुझे लगा तुम चेकअप के लिए आई थी। मैं यहाँ अबॉर्शन करने आई हूँ। मिस चैन, क्या तुम जानती हो कि ये अबॉर्शन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब है? इस बच्चे के पापा नहीं चाहते ये बच्चा इस दुनिया में आए। हमारा डिवोर्स हो रहा है तो माफ करना, मुझे देर हो गई। आप? मैं इस बच्चे का बाप हूँ। इंजेक्शन मुझे बच्चा चाहिए। मुझे चाहिए इस बच्चे को रखोगी? सच में? तुम सच कह रहे हो? मैं सच में यह बच्चा रख सकती हूँ? झूठ मत कहना। मैंने मन बना लिया, हमारा बच्चा मुझे चाहिए पूरी तरह तंदुरुस्त और सुरक्षित। माँ बच्चा अभी सिर्फ दाने जितना है, क्यूट है, ये कैसे कह सकते हो? बहुत प्यारा है। छोटा सा है, छोटा सा शिमी, अच्छा नाम है। मैं वैन जिंजू और ये मेरा छोटा शिमी, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे। देखो मैं तुम्हारी दादी हूँ। कितने प्यारे हो। हाँ प्यारा तो है बच्चा, लेकिन अभी सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है। दादी जी, जैक्सन के फैमिली और फ्रेंड्स को तो पता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम आज ही सब लोगों को यहाँ पे आइलैंड पे बुला लेते हैं और बता देते हैं, और जैक्सन हमारे शेंजी ग्रुप की हेड बनने वाली है। आप बहुत ही होशियार हो दादी माँ। तुम बहुत अच्छे हो। चले
जेन जैक्सन, तुम अपने शादी का फोटो खिंचवाने जा रही हो, ग्रेजुएशन का फोटो नहीं। थोड़ा सा स्माइल भी करो और थोड़ा पास आ जाओ। स्माइल, थोड़ा हंसो। देखो, वैसे तो हमारे पास वेडिंग सर्टिफिकेट है, कुछ वेडिंग फोटोज भी हो जाएंगे तो बाद में काम ही तो आएंगे ना। चलो कम ऑन, 3, 2, 1। मैं तुम्हारी जनरेशन को जानती हूँ, सब फैशन वाले हो। ये तुम्हें शायद अच्छा ना लगे, लेकिन ये अलग है। पैसे बचा के तुम्हारे पापा ने इसे हमारे लिए बनवाया था। जरा इसे तो देखो, सुंदर, एकदम बेदाग। पापा आपका बहुत ख्याल रखते थे। कुछ और भी है, देखो इसे, अपने आप में ये पूरा नायाब है। हमारे जमाने में ऐसी चीजें मिला नहीं करती थी। तुम्हारे पापा शंघाई से लेकर आए थे, वहीं पर एक सुनार से बनवाया था उन्होंने। मैं बहुत चिल्लाई कि ये कैसा पैसा वेस्ट कर दिया, पर उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चों को जाएगा, नई पीढ़ी को जाएगा, हमारे भविष्य को जाएगा। खूबसूरत है ना? हाँ बहुत। अपने लहंगे के साथ इसे पहनना। कैसा लग रहा है? खूबसूरत है। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो मेरी परी। तुम्हें देखते ही मुझे मेरी शादी याद आ गई। मुझे याद है उस दिन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एक रात पहले तो मैं सो भी नहीं पाई थी। तुम्हारे पापा भी नहीं सोए थे, चुपके से मेरे कमरे में आए थे। मेरा हाथ अपने हाथों में लिया था और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और फिर सब कुछ झूठ निकला, वो हम दोनों को छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई तुम्हें बड़ा करने के लिए। सारे मर्द ऐसे क्यों होते हैं? कुछ भी सोचे समझे बगैर बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। तुम्हें अकेले पालना पड़ा, कितनी छोटी सी थी जब हमें छोड़कर चले गए थे। माँ, I'm so sorry. आपको मैंने इतनी तकलीफ दी। मुझे तुम्हारी फिक्र करनी थी, लेकिन लगता है अब मौका ही नहीं मिलेगा। तुम्हारा अपना एक परिवार होगा, बच्चे होंगे, और मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अपने पास कभी भी नहीं बुला पाऊंगी। लेकिन याद रखना, तुम हमेशा मेरी रहोगी। मुझे नहीं पता तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, सब लोग कैसे निकलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये घर तुम्हारा है और मैं हमेशा तुम्हारी मां रहूंगी। समझ आया? सब सब मेरी गलती है। रो मत, रो मत। हाँ, रोना शोभा नहीं देता। चलो
चलो चलो अंदर आज तो आइए आइए बैठिए आइए स्वागत है आपका आइए तुमने ऐसा क्यों चेहरा बनाया कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस धन्यवाद धन्यवाद बैठिए आइए दादी मैं हंस नहीं सकता आइए 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 ना तुम खुश नहीं हो पर तुम्हें यहाँ पे खुशी दिखानी होगी अरे दादी तुम्हें पता है मुझे पता है तुमने क्रूज पे शादी कर ली है और तुमने नाटक करते करते उसे सच में अपना लिया है और बच्चे को भी अपना नाम दिया है तुम कितने अच्छे लग रहे हो दादी माँ आई दादी सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो फैमिलीज फ्रेंड्स बाकी सब लोग शेन जैक्सन के शादी में आप सभी का स्वागत है जो कि शीशी की बेटी है चलो अब स्वागत करते हैं दूल्हा और दुल्हन का चलो तालियां बजाओ चलो अब सुनते हैं दादी माँ को तालियां बजाएं उनके लिए ताली बजाओ। शुक्रिया शुक्रिया सबका आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आइलैंड पे आके आप सबसे मिलकर अच्छा लगा और पोते और बहू के शादी की रस्में भी कर पाई मुझे पता है ये सब बहुत जल्दी में हो गया मैंने आप सब लोगों के लिए कुछ सोचा है जब इसका बच्चा एक महीने का हो जाएगा तो मैं सबको शंघाई लेके जाने वाली हूँ मैं सबका इंतजार करूँगी दादी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद अब सुनते हैं दुल्हन की माँ को शीशी जिनको आप पहले से पहचानते हैं वो अब बात करेगी स्वागत है सबका मैं बोल नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरी बेटी की शादी में आए हैं मैं सच में बहुत खुश हूँ मैंने उसे कल ही फोन किया था और उसे वापस आने के लिए कहा था और पता नहीं था कि आज उसकी शादी होगी और वो एक पत्नी बन गई हमारी शीशी आज बहुत ही खुश है उनको बात करने के लिए थोड़ा समय दे दो ठीक है चलिए अब सुनते हैं आज के दुल्हन को जो कि बहुत ही सुंदर है ठीक है सबको नमस्ते मैं चेन जंक्शन हूँ यहाँ पर सब तुम्हें जानते हैं हम ये नहीं सुनना चाहते हैं है ना हम ये जानना चाहते हैं कि तुम इसे कैसे मिली है ना बताओ आप दोनों कैसे मिले हाँ बताओ बताओ बोलो हम एक नॉर्मल कपल जैसे ही है शर्माओ मत शादी हो गई है अब आप शादीशुदा हो जल्दी बताओ चलो शर्माओ मत अब कैसा शर्माना इतना मत सोचो सोचो बोलो इतना क्या सोच रहे हो जल्दी बताओ यार बोलो बोलो शर्माओ मत जल्दी बोलो तो बोलो अरे वो वैसे हम एक नॉर्मल कपल की तरह मिले बस हमारे केस में चीजें जल्दी तय हो गई और कुछ नहीं वैसे आप लोग एंजॉय कीजिए बताओ बताओ कहाँ जा रहे हो जल्दी नहीं जा पाओगे तुम्हें किस करना होगा तुम्हें होठों पर किस करना होगा हम 10 तक काउंट करते हैं हमारे काउंट खत्म होने तक इन्हें सेपरेट नहीं होना है ठीक है किस करो फोटो पे किस करो चलो जल्दी किस करो किस करो किस करो फोटो
तुम से कह रहा हूँ, इसे रियल किस्मत समझो। सिर्फ एक सपना है, जब मैं उठूंगा ये सब कुछ नहीं रहने वाला है। मैं सिर्फ अन्ना से प्यार करता हूँ। तुम्हें जिंदगी भर की खुशी मिल जाए। मुझे पता नहीं था कि तुम कल यहाँ पर मौजूद थे। अब मेरी शिक्षा मेरी ड्रिंक। अरे नहीं नहीं नहीं, चेयरवुमन ने कहा है कि हम सब एक परिवार जैसे। हाँ परिवार है, हम सब मजे करते हैं। एक ड्रिंक हो जाए, चलो चीयर्स। चलो चलो पीते हैं। देखो दूल्हा और दुल्हन आए हैं। अरे आप भी आओ। तो चलो हम इस कपल को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। योप योप योप, कम ऑन। चलो उस तरफ चलते हैं। तुम ज्यादा मत पियो, मैं आती हूँ। ए चलो फिर से पीते हैं। क्या हुआ, आप इस तरह से यहाँ क्यों बैठे हो? अब मैं मुझे लगा था आप बिजनेस के लिए आए हो, लेकिन आपने तो सीधा सीधा शादी कर ली। दादी माँ यहाँ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या चल रहा है? नहीं तो शिनजैक्शन प्रेग्नेंट है। हे भगवान, लगा तो नहीं था कि आपके साथ ही ऐसा होगा। अब मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया है, मुझे लगा था कि वो लड़की ऐना होगी। क्या मैंने तुम्हें ब्लेम किया? और तुम्हें ब्लेम करने से क्या तुम उससे शादी करने वाले हो? अरे मुझे बिल्कुल लगा नहीं था आपके साथ ही ऐसा होगा, मैं तो आपका भला चाहता हूँ। हे आपको क्या लगता है, ये सब उसने जानबूझकर किया होगा? शेंजी एक्शन छोटी से छोटी चीजों के लिए भी सॉरी 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 बोलती है। अगर वो थोड़ी भी मतलबी होती तो वो शायद मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता। वही तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लेकिन सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियाँ देखी। कुछ लड़कियाँ होती है जो शादी के बाद डिवोर्स करती है, और बहुत ही कम ऐसी लड़कियाँ होती है जो डिवोर्स के लिए ही शादी करती है। अरे मेरी बात सुनो यार, आप सोचो, वो बहुत ही साफ सुथरी लड़की है, राइट? पहले तो वो कोई भी नहीं थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद वो सबके सामने आ गई। आपको लगता है इतना सब होने के बाद कोई भी ऐसे दुखी लाइफ में वापस जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की एक छोटी सी घोंगे जैसी है, एक सीधी साधी गांव की लड़की तो लग रही है, लेकिन आपको इनकी खासियत पता है? उसकी खासियत है कि वो सब छीन लेती है, धीरे 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 करके वो अपने मकसद पर पहुंच जाएगी और आपसे सब कुछ छीन लेगी, मैं बता रहा हूँ। हो गया तुम्हारा बात करके, जाओ तुम अपना ड्रिंक्स पियो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। चिंता मत करो, किसी को काम से नहीं निकला जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन आगे जाके पैसे की दिक्कत तो नहीं होगी? चेयरवुमन ने अभी कहा है हम एक फैमिली जैसे हैं और इस फैमिली में भेदभाव नहीं होगा। सही कहा तुमने। हेलो डिलन, हाँ तुम्हें फोटो मिला जो मैंने तुम्हें भेजा था? हाँ हाँ, अगर तुमने मुझे बताया नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है मैं अभी रखती हूँ। हाँ मुझे जाना है।
तुम सबके लिए मैं बस एक मजाक हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी। भूख लगी है? नहीं माँ। आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। आज रात का खाना बड़ा ही तीखा और ऑयली था। मैंने देखा तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। सामने से हट जाओ। अगर ऐसे ही बातें करोगी तो खाना कैसे बना पाऊंगी? नूडल्स खाओगी एग सॉस के साथ? हाँ। जाओ जल्दी से फ्रिज में से लेकर आओ, जल्दी। ओके मैं लाती। मैं तुमसे ज्यादा बदकिस्मत थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। इतनी उल्टियां की है मैंने, कुछ भी खाओ उल्टी कर देती थी। किसी चीज का स्वाद नहीं आता था। ऐसा ही हो रहा है, मेरे मुंह में बहुत कड़वाहट हो रही है। सच में? लो खाओ इसे। इससे हो जाएगा? ट्राई तो करके देखो। जरा नमक देना। कैसा लगा? कड़वाहट कम हुई है। तुम अपना ध्यान भी नहीं रख पाती हो तो छोटी जीमी का ध्यान कैसे रख पाओगी? ठीक लगा? बहुत स्वादिष्ट था। मैं शंघाई में हर तरह के नूडल्स खाती हूँ, लेकिन आपके हाथ के बहुत अच्छे। तुम्हें याद है शंघाई जाने से पहले मैंने तुमसे ये क्या कहा था? तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो और खूबसूरत भी नहीं। वहाँ अगर तुम लोगों को समझ नहीं पाई तो तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। औरों के मुकाबले ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन भगवान है। हाँ, धीरे धीरे आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। अब से अपना ध्यान रखा करो। सबसे पहले तुम हो, बाद में सब। तुम एक माँ हो। एक स्त्री जब माँ बनती है तो सबसे शक्तिशाली होती है। तुम्हें अब शिमी के लिए सबसे लड़ना होगा अंत तक, समझ गई? तो इसलिए आपने उस टीचर की कंप्लेंट की थी जिसने मुझे बुद्धू कहा था? जब नर्सरी में मेरी बेंचमेट ने मुझे मारा था तब आपने उसके घर जाके उसे डांट लगाई थी। इतना तो कर ही सकती हो। अगर मैं नहीं लड़ती तो उन्हें लगता कि बिन बाप की बच्ची को कोई भी छेड़ सकता है। मुझे कोई कुछ बोले तो चलेगा, लेकिन मेरी बेटी को कोई कुछ बोलेगा तो छोड़ूंगी नहीं उसे। जरा कपड़ा देना वहां से। हाँ वही रखा है। I'm sorry, Mom. हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने सॉरी कहा। तुम क्यों माफी मांग रही हो? जब मैं छोटी थी मुझे लगता था आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। मेरे दोस्त भी आपसे डरते थे। मैं जलती थी, मेरे दोस्तों की माँ कितनी प्यार से बात करती थी। पेरेंट टीचर मीटिंग से तो मुझे बहुत डर लगता था। आपकी शर्म भी आती थी। जब मैं पीछे देखती हूँ तो लगता है वो कितना बचपना था। आई एम सॉरी माँ। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम रो रही हो? शादी के दिन दुल्हने तुम्हारी तरह रोया नहीं करती। और मुझसे माफी क्यों मांग रही हो?
तुम्हें तो इससे माफी मांगनी है। हे शिमी, मामा ने तुम्हें डरा दिया। I'm sorry, baby. आज तुम्हारी शादी की रात है, जाओ ऊपर और सो जाओ। जाओ अब, चलो चलो चलो, जाओ अभी जल्दी जाओ। अब मैं समझ रही हूँ एक माँ होना कैसा होता है। Show you.